आज आदिवासी संघर्ष मंच एएसएम तरफ देशव्यापी कला दिवस पालन अवसर में गुणपुर नुआ बसस्टाण एक शोभायात्रा बाहरी गुणपुर पुराण बसस्टाण एक प्रतिवाद सभा अनुष्ठित होता। नूतन पार्लियामेंट को उद्घाटन दिवस महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को आमंत्रित नक प्रधानमंत्री उद्घाटन करने नहीं तीव्र समालोचना करा देशर राष्ट्रपति मुर्मू को नोएडा की मे 28 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नूतन संसद भवन उद्घाटन उत्सव करुछन्ति। राष्ट्रपति होचन्ति भारत मुख्य और देशर प्रथम नागरिक जहां बिना संसद कार्य करिपरिबनाही। महाशय राष्ट्रपति पदग्रहण करथिबा द्रौपदी मुर्मू जी होचन्ति प्रथम महिला। तांको पदमर्यादा को अणदेखा करिबा देशर समस्त लोकंक पय अपमान अटे। यार प्रतिवाद रे आज दिन को देशव्यापी कला दिवस रूपी आदिवासी संघर्ष मोर्च पालन करुछि। आदिवासी संघर्ष मोर्चार केन्द्र कमिटी सभ्य त्रिपति गमांग राष्ट्रपति प्रति एभली अपमानजनित कार्य को घोर निंदा करने कार्यपाई प्रधानमंत्री देशवासी समक्षे क्षमा प्रार्थना करती। एणाई आदिवासी और दलित प्रति केन्द्र सरकार का आभिमुख्य कौन रही। आज प्रतिवाद सभार संजीव सबर राजेन्द्र माझी कैलाश सबर मीना सबर भीम माझी मुनि सबर सईमा सबर दानियल सबर संजय दलभेरा प्रमुख पुनः सहयोग करते। आज प्रतिवाद करा जाउछि कारण आज 28 तारीख दिन पार्लियामेंट भवन उद्घाटन करा जाउछि। दुखदायक कथा आम देशर प्रथम महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ताकू न डाकिबा एक निंदनीय घटना। मोदी सरकार गोटे अहंकारी एवं बीजेपी सांप्रदायिक दंगाकारी होची खलनायक होची मोदी सरकार सीए जो भाई भाव होची देशर राष्ट्रपति के न डाकिकी निजे उद्घाटन करवा प्रतिवाद रे आज आम देशव्यापी प्रतिवाद करुचु। आम तेणु मोदी सरकार को आम सूचे दूचु जो भूल कर ये सारा देश में वर्तमान जनगण पाखे अच्छी क्षमा न मागिला पर्यंत आम आदिवासी संघर्ष मोर्चा तरफ हो तीव्र विरोध कर। गुणपुर विरंजी प्रसाद रिपोर्ट।